जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट में हमें दो टाइप का कच्चा केला मिल जाता है, एक जो हम मार्केट से आसानी से ले सकते हैं और दूसरा जो केला होता है वो स्पेशली चिप्स के लिए ही होता है, उसे आप सूरती केला भी कह सकते हैं या तो फिर केवला स्टाइल केला भी कह सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने दो टाइप के केले आपको बताने के लिए रख दिए हैं ताकि आपको इन दोनों में का फर्क भी समझ में आ जाए और आपको ये बनाने में बहुत आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों केलों के साइज में ही डिफरेंस नहीं है बल्कि ये दोनों भी केले एक दूसरे से बहुत अलग है। तो देखिए हमने यहाँ पे आज जो दो टाइप के बनाना रखे हैं उसे देख लेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए इसे हम काट लेते हैं बीच में से। ये देखिए आप देख सकते हैं ये जो केला है अंदर से वाइट है जिसकी वजह से इसके चिप्स भी बिल्कुल ऐसे ही वाइट बनेंगे। आप इस बनाना से क्रिप्सी पेपर बनाना चिप्स भी बना सकते हैं। और ये वाला जो हमने चिप्स बनाने के लिए स्पेशली जो बनाना लिया है उसे देख लेते हैं एक बार। ये देखिए आप देख सकते हैं ये अंदर से येलो है, तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो आप एक बात का खास ध्यान रखिए कि आप जब भी मार्केट में जाएँ तो आप उनसे सूरती केला या तो फिर येलो बनाना चिप्स के लिए आपको जो केला चाहिए वो मांग सकते हैं, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए हमने इन दोनों का डिफरेंस देख लिया है, आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी फर्क है, ये दोनों भी बनाना में काफ़ी फर्क है। अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो अब ये इसे साइड में रख देते हैं। अब हमें चिप्स बनाने के लिए जो केला चाहिए उसे हल्का सा इस तरह से ऐसे काट लेंगे, इस साइड से भी इस तरह से काट लेंगे, यहाँ से इसे बहुत ज़्यादा नहीं बस ऊपर से हल्का सा हमें इसे कट लगा लेना है, बिल्कुल ऐसा ही तीन से चार कट हमें इसे लगा लेंगे जिसकी वजह से हमें इसे छीलने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे मैंने कट्स लगा लिया है इसे, अब हम इसे निकाल लेंगे। जहाँ पे हमने कट्स लगाए हैं उसका ऐसा जो पार्ट है वो ऐसे निकाल लें। देखिए आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है और एक बार ये निकल जाने पे आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए हमें कट्स बहुत डीप नहीं लगाने हैं जिसकी वजह से ये अंदर तक के चला जाए, तो ऐसे बिल्कुल उसी तरह से ये सब निकाल लेंगे। तो अब ये इसका हमने छिलका निकाल लिया है, बिल्कुल इसी तरह से हम अपने बाकी के जो कच्चे केले हैं उसका भी छिलका निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने केले का छिलका निकाल लिया है, अब इसे साइड में रख देते हैं और हमारी बाकी की सामग्री देख लेते हैं। अब केले का चिप्स बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, हमें बस चाहिए सॉल्ट या नमक और चाहिए पानी। पानी यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून पानी ले लिया है और 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है। अब तेल हमें चाहिए इसे फ्राई करने के लिए, जब तक कि ये हो रहा था तब तक कि मैंने पहले ही तेल गरम के लिए रख दिया है। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब सबसे पहले हम सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर लेते हैं। तो ये सॉल्ट इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि हमारा जो नमक है वो पानी में घुल नहीं जाता। तो ये देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा जो नमक इसमें हमने इसमें डाला था वो अच्छे से घुल चुका है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप इसे पहले ही चिप्स बना के रखें और फिर इसे डीप फ्राई करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप तेल में ही गर्म तेल में ही डायरेक्ट इसमें चिप्स डाल दें। तो ये देखिए यहाँ पर एक स्लाइसर है मेरे पास जिसके मदद से हमें चिप्स डाल देने हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो ये देखिए तेल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तेल जब हमें चिप्स बनाने हैं तो एक बात का खास ध्यान रखें कि इसका टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तेल बहुत गर्म चाहिए हमें। डालते के साथ हमारे जो केले के चिप्स है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसे ऐसे ले लेंगे, जब हम चिप्स डालेंगे इन दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल इस तरह से इसे रखेंगे और हमने जो केले अच्छे से छील रखे हैं उसे ऐसे डालते जाएंगे, बिल्कुल सावधानी से, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं पकड़े इसे, नहीं तो ये चिप्स इसमें गिर के तेल आपके हाथ से उड़ सकता है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे चिप्स इसमें डाल दिए हैं, आधे मिनट तक ही हमें इसे बिल्कुल छेड़ना नहीं है, इसे ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद हम इसमें सॉल्ट और वाटर को हमने जो मिक्सचर बना के रखा है वो डालेंगे। तो आधा मिनट हो चुका है, अब हमने जो मिक्सचर बना के रखा था यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और इसमें डाल देंगे। ये डालने के साथ बहुत ज़्यादा जोर से उड़ने लगता है, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डालते के साथ बबल्स आने लगे हैं, अब हम इसे स्टर कर सकते हैं। अब जब भी ये बनाए बच्चों को तो इससे दूर रखें ताकि ये बहुत ज़्यादा उड़ता है।
अब हमें इसे चलाते हुए तब तक के फ्राई करना है जब तक कि ये जो आवाज़ आ रही है वो बंद नहीं हो जाती और ये जो बबल्स आ रहे हैं वो बंद ना हो जाए। तो आप इसे अब जब इसे स्टर करोगे आप फील करोगे कि ये अच्छे से क्रिस्पी होने लगे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से चलाते हुए हम ये कर लेंगे। चिप्स बना रहे हैं यहाँ पर, मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, लेकिन स्पेशली जो केले के चिप्स बनाए जाते हैं केरला में वो बनाए जाते हैं कोकोनट ऑयल में। तो आप अगर चाहें तो कोकोनट ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारे जो केले के चिप्स अच्छे से फ्राई होने लगे हैं और ये बबल्स भी कम होने लगे हैं। जैसे ही ये आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाए और बबल्स आने बंद हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारे केले के जो चिप्स हैं वो अच्छे से फ्राई होकर तैयार है। अब इसे निकाल लेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको इसे सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल वैसे हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के चिप्स भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कि मैंने बनाना चिप्स सारे के सारे बना लिए हैं। हमारे पर येलो बनाना चिप्स बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो चिप्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही परफेक्ट बने हैं। तो आज की हमारी बहुत ही सिंपल बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार है। इसे मैंने एक बाउल में सर्व कर दिया है और ये ठंडे हो चुके हैं। आप इसे ठंडा होने के बाद में एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी से बन जाती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए आप ही कुकिंग।